भोपाल में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ आवारा कुत्तों के झुंड ने एक 6 महीने की बच्चे को नोच नोच कर मार डाला है। बताया जा रहा है कि अयोध्या नगर थाना क्षेत्र में शिवनगर बस्ती के पास रहने वाली महिला अपने 6 महीने के बच्चे को सोता हुआ छोड़कर कुछ देर के लिए कहीं चली गई थी और कुछ देर के लिए वो बाहर जैसे ही गई तभी कुत्ते बच्चे को उठाकर ले गए। परिजन बच्चे को ढूंढते हुए पहुंचे और लहूलुहान हालत में उसका शव मिला। बताया जा रहा है कि मौत के बाद इसके माता पिता सदमे में थे, साथ ही डरे हुए भी थे। जाहिर सी बात है, इसलिए उन्होंने किसी को कुछ भी बताए बगैर बच्चे के शव को दफना दिया। पुलिस तब तक मामला पूछा जब तक अयोध्या नगर पुलिस बच्चे के माता पिता से बयान लेने के बाद शव को निकालने वाली है और इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हरप्रीत हमारे साथ जुड़ चुकी है। हरप्रीत, लगातार डॉग बाइट के मामले पूरे मध्य प्रदेश में सामने आते रहे, इस बार तो बेहद ही भयानक मामला सामने आया। 6 महीने के बच्चे को नोच नोच कर मार डाला गया। सबसे बड़ा सवाल तो यह कि प्रशासन अब आगे क्या कदम उठाने वाला है। बिल्कुल, देखिए, आवारा कुत्तों का मासूम को मार डालने का राजधानी भोपाल का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 2 घटनाएं हुई हैं। अवधपुरी में घटना हुई है और इसके साथ ही द्रोणांचल मिलिट्री एरिया में भी इसी तरह करीबन 6 से 7 साल के 2 मासूमों को अलग अलग जगहों पर आवारा कुत्तों ने नोच कर मार डाला था। और अब से कुछ दिन पहले ही आज से एक जो MP Zone 1 है वहाँ पर एक आवारा कुत्ते ने 21 लोगों को एक के बाद एक घंटे में ही काट खाया था। उसके बाद अब इस घटना की अगर बात करें तो गुरुवार की घटना है और गुना का रहने वाला एक मजदूर परिवार जो महेंद्र बाल्मीकि है वो अपनी 2 छोटी बेटियों 6 महीने के बेटे के साथ भोपाल में रहने आया था। मिनाल इलाके में वो मजदूरी करता था। गुरुवार को वो अपनी पत्नी के साथ जहां पर वो मजदूरी करता वहां पहुंचा और एक निर्माणाधीन मकान में काम करने चला गया। पत्नी घरों में काम करती थी, उसने वहीं झाड़ू लगाया और अपने 6 महीने के बच्चे को धूप में सुला दिया। कुछ देर बाद झाड़ू लगाने के बाद जब उस मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर उसका बच्चा नहीं है। उसने हल्ला मचाया, आसपास के लोगों ने जब उसके बच्चे को तलाशा तो बच्चा मृत हालत में पास में ही झाड़ियों में मिला। उसका जो हाल था वो बेहद बुरा था, पूरे सिर पर बदन पर कुत्ते के काटे जाने के निशान थे और एक हाथ भी उसका गायब था। जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस पहुंची और परिवार ने ये लिख कर दिया कि हमें बच्चे के शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाना है। जिसके बाद शपथ पत्र लेके पुलिस मौके से रवाना हो गई और उस बच्चे को दफना दिया गया। लेकिन जैसे ही कल इस पूरे मामले का वीडियो वायरल हुआ, नगर निगम की टीम आवारा कुत्तों को पकड़ने पहुंची तो इस मामले ने तूल पकड़ लिया। बेहद गंभीर मामला था जिसे पुलिस ने शायद बहुत हल्के में लिया था और शपथ पत्र लेकर मौके से रवाना हो गई थी। लेकिन अब मामला कल शाम को दर्ज किया गया है जिसके बाद आज बच्चे का शव निकाला जाएगा। जांच की जाएगी कि ये कुत्तों के काटने से इसकी मौत हुई है या फिर बच्चे की हत्या है। फिलहाल आज पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी और परिजनों के जो बयान है वो भी आज यहां पर लिए जाएंगे। लेकिन आवारा कुत्तों के हमले से मासूम की मौत ने एक बार फिर राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में नगर निगम और इनके लिए की गई व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी बिल्कुल, हर पे तो विचलित करने वाली है पूरी घटना। लेकिन जैसे कि आपने जानकारी दी कि आज पुलिस जांच करेगी कि आखिर कुत्ते के काटने से बच्चे की मौत हुई या फिर हत्या उसकी की गई। फिलहाल इसे लेकर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।